नमस्कार शर्मा जी, टेक्निकल में आपका स्वागत है। और हमारे पास में जो है वो देर सवेर ही सही वन प्लस फाइव आ गया है। हालांकि अब तक आपने बहुत सारे अनबॉक्सिंग देख ली होगी, लेकिन फिर भी हमारी अनबॉक्सिंग तो हमारी अनबॉक्सिंग ही होती है। डब्बा को जिस तरह से दिया गया है मीडिया किट को, लेकिन अगर आप जब लेंगे तो आपको जो है ऐसा डब्बा नहीं मिलेगा, आपको जो है वो छोटा सा ही डब्बा मिलेगा। वन प्लस की जो स्टाइल होती है, इस तरह से एक स्ट्रैप खोलने वाली बड़े बॉक्स में हमेशा से रहती है। वन प्लस वन के अंदर भी थी, और आप जब लेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला डब्बा जिस पे लिखा है 5, और ये इतना वाइट कलर में लिखा है कि आपको शायद जो है वो दिखाई भी यहाँ पर नहीं देगा। तो कोई बात नहीं, प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसके पीछे कोई प्राइस यहाँ पर जो है वो नहीं लिखी गई है। डिजाइंड एंड असेंबल्ड इन चाइना, तो अभी भी जो है वन प्लस मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो है वो नहीं हुआ है। सार वैल्यू की बात करें तो 1.240 है हेड के लिए, और जो बॉडी है उसके लिए है 0.850। मीडिया वालों को कुछ कवर भी मिलते हैं यहाँ पर, ये जो कवर है, और कवर की जो कीमत है वो लगभग शायद 1500-1600 रुपये है। लिंक मिलेगा तो मैं दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का। तो आपको जो पसंद है, आपको अगर ये वाला लेना है इस तरह का, ध्यान दिख रहा ध्यान से, तो ये वाला ले सकते हो। अगर आपको ये लेना है इस तरह वाला तो ये ले सकते हो, और अगर आपको ये बैम्बू वाला लेना है, बैम्बू टाइप जो है वो लकड़ी जैसा लगता है, ये भी ले सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोले तो सैंड स्टोन वाला, जब वन प्लस वन पहली बार आया तो सैंड स्टोन बैक कवर के साथ में ही आया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो अलग से एक्स्ट्रा कवर दिया है लगाने के लिए। ठीक है, तो बैक कवर रिमूवेबल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आप जो शेल वगैरह लगा सकते हो। तो बस, और डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई डैश चार्ज वो नहीं दिया है कार वाला, तो बस डब्बे में इतना ही कुछ यहाँ पे मिलता है। तो कवर से तो हम लगाते रहेंगे, और हम लगाते रहेंगे। ठीक है, गिव अवे छोड़ो यार, क्या गिव अवे, मिलता तो किसी को है नहीं। तो ये है डब्बा, और डब्बे की कर देते हैं हम फटाफट, डब्बा खोल लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ठीक है, चाकू हमारा अभी है नहीं हमारे पास में, खुल जाओ सिम सिम। ये बिल्कुल एयर टाइट डब्बा बना के दिया है। तो हमारे पास में जो है वो है ब्लैक वाला, मैट ब्लैक जिसको बोलते हैं, और ये है इसका पिछवाड़ा, ये है इसका अगवाड़ा, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, याद होगा आपको किशोर कुमार का वो डायलॉग कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल बहुत बड़ा हमारा। हम भी ऐसे हैं, कुछ काले का तो पता नहीं लेकिन दिल बहुत बड़ा हमारा। ठीक है, तो ये है वन प्लस फाइव जो रेंडर्स में लीक में देखा था। और अगर आपको मैं यहाँ पास से दिखाऊँ इसके पीछे की तरफ, तो देखो आप ध्यान से, और आप देख के बताओ कि क्या आईफोन 7 प्लस की कॉपी है नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो, राइट साइड में देखो, जो एजेस दिए गए हैं वो कर्व दिए गए हैं ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर, और बहुत ही पतला जो है वो बेजल यहाँ पर नीचे है, और ऊपर की तरफ जो है वो थोड़ा सा मोटा है, यानी कि 7.25 mm के लगभग बताया है जो पूरी इसकी मोटाई है। अगर आप सेंटर में लेते हो, कॉर्नर्स में थोड़ी सी जो कम हो जाती है, क्योंकि एज जो है वो यहाँ पर बना के दिया है। फ़ोन को पावर ऑन कर लेते हैं, तब तक आपको बताया फ़ोन की जो कीमत है, कीमत रखी है 32,999, यानी कि लगभग 33,000 रुपये रखी है 6 GB वाले वर्जन की, और 64 GB इसमें जो रोम मिलती है आपको। और अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले वर्जन की, 8 GB वाले की और 128 GB वाले की, तो उसकी जो कीमत है वो है 37,999, और हमारे पास में जो है वो आपकी कृपा से कौन सा वाला वर्जन है, 128 GB, जी हाँ 8 GB वाला है। तो हम आपको चलाएंगे, हम आपको चला करके बताएंगे कि 8 GB की परफॉर्मेंस कैसी है, और बेंचमार्किंग जो है बूस्ट किए हैं या नहीं किए हैं, कंपेयर करके दिखाएंगे आपको मी 6 के साथ में, जो हमारे पास में स्नैपड्रैगन का 835 वाला वर्जन है। तो फटाफट से इसको एक बार सेटअप कर लेता हूँ। फ़ोन जो है पूरा हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है, यहाँ पर एक अपडेट भी आया था उसको भी जो है वो डाल दिया है इसके अंदर, और आप दिखाते हैं आप क्या कुछ इसमें जो शुरू के अंदर मिलता है। सेटिंग की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो सेटिंग सबसे पहले क्या दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं स्टोरेज कितनी मिलती है। 128 GB में से आपको जो है वो 118, जी हाँ 111 GB जो है वो मिलती है, 767 MB जो है इसमें यूज़ किया गया है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रैम की, तो 8 GB में से जो है वो सिर्फ 7.5 GB ही मिल रही है इसके अंदर, यानी कि 8 एक्चुअल में पूरी पूरी नहीं है, 7.5 GB की रैम है उसमें जो है 1.5 GB यूज्ड है, और 6 GB की रैम यहाँ पर जो है वो फ्री आपको मिल जाती है। फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है यहाँ पर ये बोला गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 8 GB की आज की तारीख में ज़रूरत है या नहीं है। वन प्लस का ये कहना है कि हमने जो है आपको फ्यूचर प्रूफ कर दिया आज की तारीख में, कि 38,000 रुपये में आपको 8 GB की रैम दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले साल में आपको 50,000 के अंदर या फिर 60,000 में 8 GB की रैम मिले। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, हमारी भी अपनी ओपिनियन है यहाँ पर। 8 GB रैम है, 128 GB भाई साहब, 128 GB, वो भी छोड़ो 111 GB तो है कम से कम, और 6 GB तो अवेलेबल है शुरू के अंदर। ठीक है, अभी सब किल कर दोगे तो और बढ़ जाएगी, तो ये वाली बात है।
उसके बाद में जो है वो 7.1.1 नोगेट से मिल जाता है आपको यहाँ पर। ऑक्सीजन का ओएस का जो है अभी भी अपडेट आया है 155 एमबी का, तो ऑक्सीजन ओएस हो गई है 4.5.1। यहाँ पर कुछ और स्टेबिलिटी ऑप्शन दिए हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है, सेटअप कर दी मैंने यहाँ पर। आपको हल्का सा टैप करना और ओपन, हल्का सा टैप करना और ओपन, 0.2 सेकंड बोला है, मुझे तो लगता है 0.2 सेकंड भी नहीं लगते होंगे, फटाफट से जाइए खुल जाता है, ठीक है। और किसी भी एंगल से खोल लो आप, ये देखो इस एंगल से दिखाते हैं आपको, ये देखो चार उंगलियां सेटअप किए मैंने यहाँ पर, चारों की चारों में खुल जाता है, ये देखो इस तरह से। अब बात करते हैं भाई साहब कैमरा की, तो पीछे की तरफ आपको जो यहाँ पर डुअल कैमरा दिया गया है, दो कैमरा दिए हैं, एक 16 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी कैमरा है और दूसरा जो कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का है। वो दो काम करता है यहाँ पर, 2x जूम करता है एक तो, और दूसरा जो काम है वो करता है टेलीफोटो लेंस, यानी कि पोर्ट्रेट मोड जो है उसको ज़बरदस्त लेता है। हालांकि उसमें कुछ कुछ कमियां हैं बहुत लोगों ने यहाँ पर बताई है। फ्रंट कैमरा जो है इसका वो भी 16 मेगापिक्सल का है और उसमें EIS दिया है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दिया है, जो कि इसके कंपटीशन से बेटर है। वो कंपेयर करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी S8 के साथ में, या फिर अगर आप बोलते हो कि Mi 6 के साथ में, तो Mi 6 कहाँ हमारा, यहीं पर कहीं पर है Mi 6, ठीक है, तो उसके साथ भी कंपेयर करेंगे। तीनों फ़ोनों का एक मैसिव कंपैरिजन आएगा शर्मा जी के स्टाइल में। उसके अलावा बात करें तो इन हैंड फील या डिज़ाइन की बात करें तो बिना कवर के तो थोड़ा स्लिपरी लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं जो OnePlus 3T है उसको भी जो है वो कवर के साथ में यूज़ करता हूँ। ये देखो OnePlus 3T की अगर बात करूँ मैं, कवर के साथ में यूज़ करता हूँ, और अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ तो हाथ में लगता है कि स्लिपरी हो रहा है। तो यहाँ पर चार कवर हैं, मेरा फेवरेट जो होगा मैं उसको लगाऊंगा और यूज़ करूँगा। बाकी अगर आप ये सोचते रहते हो कि हाँ साहब ये कॉपी है, तो आप सोचते रहो, फिर आप आईफोन ले लो, आप आईफोन के ही लायक हो, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलती है और ये भी नहीं मिलता है और वो भी नहीं मिलता है। प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है, सब लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हम OnePlus से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि साहब अगर आप ऐसा एक फ़ोन बनाओगे इसकी प्राइस कम होगी, तो यहाँ पर आपने प्राइस जो है वो ज़्यादा कर दी है, जो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रांड एम्बेसडर लिए हैं बहुत सारे, अमिताभ बच्चन से लेके वीर दास तक, और दुनिया भर की पब्लिसिटी की है। OnePlus का जो इवेंट होता था वो छोटी जगह में होता था, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा जगह की है, इतने लोगों को बुलाया है, एक एक बंदे के ऊपर, नॉर्मल ब्लॉगर के ऊपर कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा किया है, तो वो सारी की सारी कॉस्ट इस फ़ोन में आ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ये जो स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है एप्पल नहीं दे पा रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। वाटरप्रूफिंग इसमें नहीं है, और इसके अंदर जो है वो सर्विस भी अभी इतनी अच्छी नहीं है OnePlus की। बहुत सारे बातें निकल रही हैं यहाँ पर कि वो 48,000 का उनको जो है वो बिल भरा दिया है वहाँ पे, जबकि वो सिर्फ 28,000 के फ़ोन हैं, और बहुत सारी बातें हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और फोन की परफॉर्मेंस कैसी है वो यहाँ पर हम देखेंगे। आज से यूज़ करना शुरू करूँगा एज ए प्राइमरी डिवाइस। डैश चार्जिंग दी गई है, तो 3300 mAh की बैटरी है। OnePlus 3T में 3400 mAh की बैटरी थी, हालांकि 100 mAh कम है यहाँ पर, लेकिन फिर भी देखेंगे कि क्या है OnePlus 3T के मुकाबले बेटर है या नहीं है। OnePlus 3T को फिलहाल मुझे जो है वो दिन में दो बार चार्ज करना ही पड़ता है, अगर मैं अपना नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ, हैवी करूँगा तो पता नहीं कितनी बार, नॉर्मल मुझे दो बार चार्ज करना पड़ता है। जो स्क्रीन टाइम वो लगभग 3.5 से 4 घंटे के बीच में आता है। इसका देखना पड़ेगा कि फुल HD की स्क्रीन दी है यहाँ पर सामने की तरफ, तो उसके हिसाब से कितना ऑप्टिक एमोलेड बोला यहाँ पर, एमोलेड नहीं है तो ऑप्टिक एमोलेड है, तो उसमें कितना फर्क आएगा। 2K डिस्प्ले नहीं है, अगर 2K डिस्प्ले थे तो सैमसंग की तरह 2.5 घंटे का स्क्रीन टाइम भी मिलता था। अल्टीमेट चीज़ जो मुझे लगती है यहाँ पर OnePlus की, वो ये है कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसकी जो चार्जिंग है, और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हालांकि एक टाइम था 20,000 का मिलता था OnePlus 1, लेकिन अब ये जो है वो 33,000 का हो गया है कम से कम, 6GB वाला। तो देख लीजिए आप, आपके ऊपर यहाँ पे छोड़ दिया है। फ़ोन के अंदर आपको जो है एक चार्जर मिलता है नॉर्मल, सेम जो आप देखते हो इस तरह का OnePlus 3T का चार्जर है, वही जिस तरह सेम मिलता है वही सेम चार्जर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेम है, कुछ अंतर नहीं है। और एक रेड जाने की जो केबल मिलती है, एक सिम इजेक्टर पिन मिलती है, कुछ लीफलेट दिए हैं, स्टिकर दिया है, और एक शॉट ऑन OnePlus भी बोला गया है। तो बस मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में इतना ही, आपको बताएंगे आने वाले मेरे शर्मा जी स्टाइल में पावर पैक रिव्यू। जल्द ही मिलेगा आपको OnePlus 5 का एक पावर पैक रिव्यू मेरे स्टाइल में। तो अगर आपका कोई सवाल है उसके लिए जरूर से बताइएगा। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इसमें जो है ये है नया, वो है या नहीं है, तो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दिए, ताकि हम आपका रिव्यू ला सकें। इस वीडियो को देखने के बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय।